क्रिएटिव सोचें तो मेरे ख्याल से ये एक सिंगर है, नेक्स्ट टाइम दो तीन और होंगे जो इंडिया के लिए गाना गाएंगे। कहा था कि इस वक्त भारत का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है वॉशिंगटन डीसी के अंदर कि वो कभी भी किसी कीमत पर भी उनको नाराज करके आपके साथ रिलेशनशिप नहीं रखना चाहेंगे। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ इंडिया, As you stand on the brink of another Independence Day, let us reflect upon the extraordinary journey that has brought you here. तो मैं तो अभी कहता हूं कि सारे जहां से प्यारा हिंदुस्तान हमारा। और दूसरा, अगर देखें आप एक मिनट के लिए अमेरिकन्स बन के जरा सोचें, आप उनको क्या ऑफर कर सकते हैं? What do you have to offer? आपको खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्ट नहीं है, सब जो है हमारा अपना किया हुआ है। तो ये इसका रिस्पांस यही मिलेगा कि हमें कोई ट्रिब्यूट नहीं करे, इट मींस कि हम दुनिया से पीछे हैं या हमारे किसी से ताल्लुकात अच्छे नहीं। डेफिनेटली पे जा रहे हैं उनको, उनके इस वक्त इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है, वहां पे टेस्ला भी जा रहा है, वहां पे जेट इंजन भी बनेंगे, वहां डिफेंस भी बनेगा, वो चांद पर भी जा रहे हैं, वो दूसरा भी IIT भी बना रहे हैं, अमेरिकन उनके पाँव में फिर रहे हैं। दुनिया जो है वो एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, है। मतलब आप देखें ना, वेस्ट का ना डाउनफॉल स्टार्ट हो रहा है, ठीक हो गया। जब वेस्ट का डाउनफॉल स्टार्ट होगा तो जो एशिया का ना इसका अपब्रिंगिंग स्टार्ट होगा। जब एशिया में, एशिया में फिर बड़े कंट्रीज कौन से हैं? रशिया, चाइना और इंडिया। और अभी जो अभी वर्ल्ड का सारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड देखे ना, वो सारे इंडिया की तरफ शिफ्ट। जय हिंद दोस्तों, गरीब किसान चैनल में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के सिंगर का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें एक फीमेल अमेरिकन सिंगर ने भारत का राष्ट्रगान जनगण मन गाकर जो है पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। साजकर में जो है पाकिस्तान के लोग भी जो है यह सुन करके जो है परेशान हो चुके हैं दोस्तों। दरअसल दोस्तों बता दें कि इस बीच एक समारोह था अमेरिका, जिसमें अमेरिकी सिंगर मेरी मिलबेन ने स्टेज पर भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मनगण गाया और फिर स्टेज पर जो है सोशल मीडिया पे वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग भी हैरान है कि एक भारत का राष्ट्रीय गान विदेश में भी किस तरीके से उनके भाषा में जो है वो गाया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि मेरी ने जो है ये गाना बहुत ही मेहनत से गाया है। इस गाने को सुनकर बाकी वहाँ के लोगों ने जमकर तालियां बजाई। मेरी ने स्टेज पर मौजूद सभी लोगों से जो है नमस्कार और भारत को जो है स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी कही। वो इंडिया को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं और इंडिया का फ्लैग इसलिए शो करवा रहे हैं क्योंकि वो पाकिस्तान का नहीं कर रहे। पाकिस्तान का इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि पाकिस्तान एक इमर्जिंग इकोनॉमी नहीं है। इंडिया जो है वो एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, मतलब आप देखें ना, वेस्ट का ना डाउनफॉल स्टार्ट हो रहा है, ठीक हो गया। जब वेस्ट का डाउनफॉल स्टार्ट होगा तो जो एशिया का ना इसका अपब्रिंगिंग स्टार्ट होगा। जब एशिया में फिर बड़े कंट्रीज कौन से हैं? रशिया, चाइना और इंडिया। और अभी जो अभी वर्ल्ड का सारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड देखे ना, वो सारे इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें चीप लेबर है। चीप लेबर तो चाइना में भी है, लेकिन चाइना में जो रियल स्टेट की वो है ना, मतलब कॉस्ट है, वो बहुत हाई है। इंडिया दो हिसाब से मतलब बेटर ऑप्शन है, मतलब पूरे वर्ल्ड के कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए, क्योंकि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर और उनका जो मतलब लैंड वाइज उनकी प्राइस बहुत कम है, उनकी लेबर कॉस्ट बहुत कम है। सर सियासी तौर पे भी तो स्टेबल है ना। देखिए हर बंदा जो इन्वेस्टमेंट करता है वो सबसे पहले यही देखता है कि इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकली स्टेबिलिटी कितनी है, गवर्नमेंट कितना टाइम स्टे करती है। तो वहाँ पर हमने देखा कि 5 साल तो हर गवर्नमेंट अपने पूरे करती है, तो ये चीज़ भी तो दुनिया को अट्रैक्ट कर रही है ना कि एक स्टेबल इकोनॉमी, एक स्टेबल डेमोक्रेसी है। वो और स्टेबल इसलिए कह रही है क्योंकि उसको आपने पाकिस्तान से, जैसे आप देख रहे हैं। सर क्या ये खबर है कि 15 अगस्त को ऐसे नेशनल डे सेलिब्रेट किया US में? इस वक्त इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि भारत के और अमेरिका के रिलेशनशिप दे आर एट द हाईएस्ट लेवल। उसकी वजह यह है कि अमेरिका का सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त अगर देखा जाए तो वो चाइना है, और उन्हें पता है, और इंडियन ओशन के अंदर उन्हें पता है ताइवान, यूक्रेन के बाद अगला जो होगा, जो युद्ध का मैदान जो होगा सजेगा, वो यूक्रेन होगा। और उसमें अमेरिका इस वक्त ज्यादा से ज्यादा रिलाय कर रहा है भारत पे, उनकी इंडियन ओशन में उनकी सपोर्ट के लिए, और ये सब चीजें। तो उस हवाले से देखा जाए तो इंडिया इज अ बिग पार्टनर इन दैट चाइना इशू। इस वक्त देखा जाए तो भारत और अमेरिका के रिलेशनशिप एट द मैक्सिमम एट द हाईएस्ट।
इसका मतलब कहीं ना कहीं इस खबर में ऑथेंटिसिटी है, कहीं ना कहीं इस खबर में हकीकत मौजूद है। सर आपने बोला कि इस टाइम रिलेशन इंडिया और यूएस के बहुत मजबूत हैं, बहुत ज्यादा पार्टनरशिप चल रही है, तो अगर पास्ट की बात करें, 1965 की बात करें, जंग की बात करें, तो पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान को यूएस ने सपोर्ट किया। 71 में भी हम इंतजार करते रहे कि यूएस की तरफ से हमें एड आ रही है, हमें हेल्प आ रही है। क्या आपने पाकिस्तान बनाया या नहीं बनाया? आप अरब हैं, आप अफगानी हैं, आप कौन हैं, आपकी डेस्टिनेशन क्या है, आप कहां पहुंचना चाहते हैं, हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ते आप? अगर हिस्ट्री के औराक खोलें तो वही उन्हीं में से आपको जवाब मिल जाएंगे। ना आप अरबी हैं, ना आप पठान हैं, ना आप अफगानी हैं, ना तुर्की हैं, ना तुर्की हैं, आप कौन हैं? आप क्यों नहीं पहचानने की कोशिश करते कि आप कौन हैं? जिहाद जिहाद जो आप रट लगाते हैं, ये आपके खून में नहीं है। आपके अबाओ अजदाद ने जिहाद का पता ही नहीं, उनको स्पेलिंग ही नहीं आते थे भाई, जिहाद क्या चीज है। आज भी मुर्शिद पाक को जलसा करना पड़ता है इस्लाम के नाम पर, तो वहां पे गाने लगाने पड़ते हैं, लड़कियां बुलानी पड़ती हैं। गाना क्या होता है? आज इमरान खान ने जलसे जो नचन जी करता है। आज जिहाद आप क्यों खराबी करते? आप एक पार्टी करने वाली कौम है और इन्वेडर्स के सामने लेट जाने वाली कौन है? दुख के साथ कहूंगा, पाकिस्तान की बुनियाद रख दी गई थी जहां, जब यहां पे पठान भाइयों ने आके मार मार के मुसलमान करना शुरू किया। पाकिस्तान तो बनना था, एक हकीकत थी, नफरत भी होनी थी, क्योंकि उन इन्वेडर्स ने मेजॉरिटी के ऊपर जो किया, नफरत होनी थी। उन्होंने ये लोगों को, हिंदुओं में बहुत जुल्म किया, नफरत भी होनी थी बजाय, लेकिन ये कम क्यों नहीं हो? इस नफरत को कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा है? सिर्फ उसके पीछे एक ही वजह है, तालीम। तालीम और अकादमी दोनों इंटररिलेटेड है। तालीम आपको सिखाती है कि जज्बात को कंट्रोल किस तरह करना है, वो बात नहीं करनी जो किसकी दिल आजारी करे। फेथ बेस नफरत नहीं करनी, फेथ हर हर इंसान का एक अपना जाती। लेकिन सर अगर बुक्स में भी नफरत ही लिखी होगी तो फिर पढ़ लिख कर भी क्या होगा? उसमें दो चीजें, जब आपको पढ़ना लिखना सिखा दिया जाता है तो आप पे डिपेंड करता है आप किस किस्म की किताबें सिलेक्ट। दोस्तों आपको बता दें कि ये अमेरिका के सिंगर है, फीमेल सिंगर, जिनका नाम मेरी फिनमॉल है, जिसका जो है काफ़ी ज़्यादा वीडियो वायरल हो रहा है। पाकिस्तान के लोग भी हैरान हो चुके हैं कि आखिर में एक विदेशी सिंगर जो है इतना बढ़िया राष्ट्रगान कैसे गा सकती है। वो भी बहुत ही बढ़िया जो है पूरी राष्ट्रगान गाया, जिसको देख करके पूरी दुनिया हैरान हो चुकी। दोस्तों साथ में भारत का राष्ट्रीय गान हर कंट्री के लोग जो है जानते हैं, उनके मुंह के जबान पे होता है, वो राष्ट्रगान गाते ही आते हैं। और कहीं भी जो है राष्ट्रगान गाया जाता है तो लोग अपने सावधान अवस्था में जो है राष्ट्रगान देखकर गाने लगते हैं। दोस्तों यही भारत की संस्कार है और यही इसका सम्मान करना चाहिए दोस्तों। और एक और बात बता दोस्तों कि इसराइल में भी जो है भारत का स्वतंत्रता को लेकर के मनाया गया। साथ में आपको मालूम होगा कि तालिबान के अंदर भी जो है इसका, तालिबान के मेन लीडर ने भी भारत को धन्यवाद, और आपको बताएं कि यहाँ से भी जो है यहाँ पे शुभकामना।